i am yatin and welcome back to my channel today i am going to discuss about the spinal cord which is very important to understand the tracks so before tracks i just give you a re review about the spinal, spinal cord and then after that I am, my next video will be on the tracks so let's continue our discussion so guys basically what is the spinal cord स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग फिजाइल ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर जो कि बेस ऑफ द ब्रेन से शुरू होती है एंड इट विल एक्सटेंड टिल द स्पाइन ओके नाउ इन स्पाइनल कॉर्ड देयर आर स्पाइनल नर्व्स ओके सो जो भी स्पाइनल लर्व्स होती हैं दे आर जर्नरली थर्टी वन पेयर्स ऑफ स्पाइनल लर्व्स थर्टी वन पेयर्स जिसका अगर हमने फॉर्मूला बताना हो इट इज़ सी एट टी ट्वेल्व एल फाइव फाइव एंड सी वन ओके नाउ इन दे देर इज अ एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम सी वन टिल द लोअर बॉर्डर ऑफ द एल टू वटेब्रा इफ़ दिस इज़ द एल टू वटेबरा ओके

दिस इज द वटबरा तो एल थ्री के अपर बॉर्डर पे इसकी क्या होगी टर्मिनेशन हो जाएगी नाउ हेयर एज यू कैन सी इन दिस फिगर मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं दिस इज द सर्वाइकल इनलार्जमेंट दिस इज द सर्विकल इन लार्जमेंट ओके एंड दिस इज वॉट दिस इज द लंबर

ये एग्जॉन देगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस की ये फॉर्मेशन करेगी ताकि लाइक uh, like जो भी नर्व्स है यहाँ से जो भी निकलेंगी दे विल सप्लाई वॉट दे विल सप्लाई द अपर लिम्ब। ओके एंड दिस लंबर एनलार्जमेंट दे ऑल्सो गिव द एग्जोन्स दे गिव एग्जॉन्स फॉर वॉट for lumbar and the sacral plexus for uh, to supply what lower limb ओके सो जर्नली प्लेक्सिस क्या है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द नर्व्स सो नर्व्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं प्लेक्स तो यहाँ से सर्विकल इलार्जमेंट से जो भी हमारी स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी दे विल कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकल प्लेक्सिस एंड हैंड्स दे विल सप्लाई द अपर लिम ऐसे ही लंबर इलार्जमेंट से जो भी नर्व्स का निकलेंगी दे फॉर्म लम्बर एंड सेट्रल प्लेक्सिस एंड सप्लाई द लोअर लिम okay so uh, before proceeding to other things I, I just want to show you these enlargement as you can see in this figure this is what this is the cervical enlargement and here you can see this is the what this is the lumbar enlargement okay so is me clearly the accept the okay now comes to uh, come to this figure again sorry okay I'm just going to raise all these things okay so here is the L2 point okay here we said there will be uh, in adults the termination of the spinal cord is at the lower border of the L2 and this is what this is the lower border of the L2 okay सो so, यहाँ पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड की टर्मिनेशन हो रही है सो so, uh, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की टर्मिनेशन हो रही है दिस पार्ट वी विल कॉल्ड एज वॉट इट इज नोन एज द कोनस मेडुलैरिस कोनस मेडुलैरिस इज द पार्ट वेयर देयर इज द एंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंडिंग ऑफ Cord. अब क्या होगा यहां से जहां पर एंडिंग होगी देर विलर विलस मेडुलैरिसम वैट विल फॉर्म द फाइनल टर्मीनेल दिस विल फॉर्म द फाइनल टर्मिनेल सो कोनस मेडुलैरिस की एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं इट इज फाइनल टर्मिनेल सो इस फाइनल टर्मिनेल के बारे में आई विल आई वॉन्ट टू डिस्कस लिटल बट मोर सो जर्नली ये जो फाइनल टर्मिनेल होता है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स ओके वन इज़ फाइनल टर्मीनेल इनस इंटरनस एंड अदर इज़ द फाइनल टर्मिनेल एक्सटर्नस ओके, फाइनल टर्मिनल एक्सटर्नल एंड इंटरनस सो जो ये फाइनल टर्मिनल इंटरनस होता है इट इज जस्ट प्योर, इट इज प्योरली द एक्सटेंशन ऑफ वॉट पीआर मैटर प्योरली इट इज एक्सटेंशन ऑफ पीआर मैटर वेयर हैज दिस फाइनल टर्मिनल एक्सटर्नस इट इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल थ्री मिनजेस It is what? It is a modification of all three meninges. Now, what is uh, what do I mean by this? Means it is from all the three meninges. It is from dura matter, arachnoid matter, plus pia matter. So, all these three meninges will form final terminal externus, whereas phylum terminal internus is only formed by the pia meter. So, as you can see in this figure, this pink one here, you will see this is what? This is phylum terminal internus, it is internus, and here is the phylum terminal externus. Okay, now uh, between uh, this you can see from l2 and l3 uh, from l2 and s2 there will be some space because generally as you all know that spinal cord is extending at the at l1 and the meninges are extending at what at s2 so there must be space between this l2 and s2 or l1 you can say l1 or s2 and that space is where we are going to do the lumbar puncture okay इन एंड दिस स्पेस इज जर्नली यहाँ पे मिनंजस होती हैं सिर्फ मिनंजस सो वेट आई विल शो यू जस्ट लेट मी रेज सो यहाँ पे सिर्फ क्या है मिनंजस सो हियर दिस रेड टू रेड लाइंस दिस इज व्हाट दिस इज ड्यूरा मैटर प्लस अरेक्नोइड मैटर ये दो क्या हैं दिस इज ड्यूरा एंड द अरेक्नोइड और यहाँ पे पी आई इसके बहुत पास अटैच है सो आई कॉन्ट शो यू इन दिस फिगर सो जर्नली जो हम कहाँ पे जर्नली वी विल डू द लम्बर पंक्चर बिटवीन लंबर पंक्चर हम कहाँ पे करेंगे लंबर पंक्चर इज डन बाय इज डन एट द लेवल ऑफ मेनली एल थ्री एंड एल फाइव यहाँ पे हम करते हैं बिकॉज गोल ऑफ लंबर पंक्चर इज टू ऑप्टेन इज मेनली इज टू ऑप्टेन द सी एस एफ विदाउट डैमेजिंग एनी स्ट्रक्चर सो हियर यू विल सी देयर विल बी नो स्ट्रक्चर जहाँ मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जिसको हम डैमेज कर पाएंगे सो दैट्स वाई वी जनली डू लंबर पंक्चर हीयर सो दैट नो नो स्ट्रक्चर कैन बी डैमेज सो नाओ सुन uh, so, अब जब लम्बर पंक्चर आई वॉन्ट टू डिस्कस मोर अबाउट लंबर पंक्चर जब भी हम लम्बर पंक्चर करते हैं तो हमारी नीडल है कुछ लेयर्स uh, से होती हुई जाती है इस स्पेस में सो so, कौन सी वो uh, कौन कौन सी लेयर है सो जर्नली नीडल पास थ्रू सम स्ट्रक्चर्स सो उसमें फर्स्ट क्या है फर्स्ट इज आर स्किन After skin, you are going to pierce what fascia and the fat by your needle. Third structure that you are going to pierce with your ne needle is the supraspinous ligament, and the fourth structure that you are going to pierce is the interspinous. Ligament okay, and the fifth structure that you are going to pierce is ligamentum flavum, and sixth structure is the epidural space. Epidural space you are going to pierce, okay, and the seventh structure is the dura mater. 8th is the arachnoid matter and ninth is the sub -arachnoid matter now we will stop at sub -arachnoid matter because sub -arachnoid matter is the place where actually the csf is present so generally csf is out sub arachnoid matter si. so hum ये सारे स्ट्रक्चर्स को पियर्स करके वी विल रीच एट दिस पॉइंट एंड वी विल कलेक्ट द सी एस एफ ओके जस्ट कम टू दिस फिगर एज यू नो जो हमने बोला है कि स्पाइनल कॉर्ड इज़ जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन सो यहाँ पे इज़ द सर्विकल इलाजमेंट सो दिस इज द सर्विकल इलार्जमेंट दिस इज द लंबर इलाजमेंट एंड दिस टर्मिनेशन पॉइंट इज वॉट द कोनस मैडोलैरिस और इस कोनस मैडोलैरिस की जो एक्सटेंशन होती है दैट इज़ द फाइनल टर्मिनल नाउ द अदर वन इज now the spinal uh, pia mater this spinal pia mater is generally a uh, modification of the two structures it is modification of two structures now what are those structures one is the linear splendens now first i will discuss about this linear splendens so kya hai ye linea splendens एज यू कैन सी आप ये फिगर देख आ, इस फिगर में देख सकते हो कि दिस येलो लाइन इज वॉट इट इज इट इज पोस्टीरियर मीडियन फिशर वॉट यू आर सिंग इज द पोस्टीरियर मीडियन फिशर ओके जब आप इस पोस्टीरियर मीडियन फिशर को एंटीरियरली वैन यू सी इट एंटीरियरली इट इज नॉट एक्चुअली द सेप्टम सॉरी दिस इज अ पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम sorry this is the posterior median septum and when you see this septum from anteriorly this is actually not the septum this is a space this is a space and if you see interiorly it will look like this as i am showing in the figure so it is what it look like it is actually anterior median fissure so when you see it from anteriorly it is filled with this white structure as you can see and this white structure is nothing but this is the this is the pia matter so this anterior median fissure which is when you see posteriorly appear as the posterior median septum is filled with the pia matter which are, which is going to give you the white color white line which is known as the linea splendens okay so ye linear linea splendens now the second modification of the pia met uh, of this spinal pia mater is the linea uh, sorry it is the ligamentum denticulatum this is the ligamentum denti क्यू लैटम सो वॉट इज दिस लिगामेंटम जस्ट इफ अगर हम डेफिनेशन की बात करें ये क्या हमने कहा कि इट इज द जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द पियामेटर सो इट इज मेड अप ऑफ पिया मेटर दिस इज पिया मेटर एंड इट अटैचेज ये अटैच uh, हो रहा है विद द ड्यूरा मैटर अटैचेस टू डूरा मेटर एंड लाइज बिटवीन वॉट बिटवीन डॉर्सल ये आप देख सकते हो इट इज इट लाइ ये है हमारा लिगम लिगामेंटम डेंटिक्यूलाटम ओके सो ये कहाँ पर प्रेजेंट है दिस इज आर डोर्सल दिस इज डॉर्सल हॉर्न एंड दिस इज द वेंट्रल हॉर्न दिस इज वॉट दिस इज द वेंट्रल हॉर्न सो इट लाइज बिटवीन डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न ओके नाउ इस जो लिगामेंटम डेंटिकुलर है इट इज एक्चुअली दे आर टू इन नंबर बट दे आर हैविंग सम टीथ लाइक प्रोजेक्शंस दे आर एक्चुअली ट्वेंटी दे आर टू इन नंबर लाइक इफ दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड ये कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा ओके लाइक दिस ओके दिस So but it have tooth like projection on each side Here tooth like projection and here tooth like projection This tooth like projection on one side it is 21 On other side it is also 21 So it is having the tooth like projections Projection On both the sides Both the side. एंड वो कितनी होती है दैट आर ट्वेंटी वन ऑन ईच साइड ऑन ईच साइड ट्वेंटी वन ऑन ईच साइड ओके सो दीज आर समुथ लाइक प्रोजेक्शंस नाउ वाई वी आर गोइंग वाई वी स्टार्टिड दिस लिगामेंटम डेंटिकुल एटम Because this ligamentum denticulatum is an important structure when we are going to like if uh, some of uh, you become want to become a neurosurgeon. So it is a very important uh, neurosurgical landmark for now, just put a double star, it is a important neurosurgical. Landmark for when we are going to do anterior posterior hemisectioning of cord. So, it is an important neurological landmark for anterior posterior and hemisectioning of cord, just mark it double star, it is very important point now these are all uh, like all we have discussed till now are the external feature of the spinal cord and now I, we, I am going to discuss about the internal features of the spinal cord so in internal feature first the gray matter um, like in gray matter as you will see on this figure there is a dorsal horn the, this is the lateral horn this is the ventral horn now in uh, dorsal uh, horn if we talk about dorsal each in gray matter generally the nuclei are present whereas in white matter you will see only the nerve fibers so white matter me kya hoga? white matter yahan pe kya nerve fibers nerve fibers are located in the white matter so this is the white matter यहाँ पे क्या है नाओ फाइबर्स अब ग्रे मैटर में हमने बोला कि यहाँ पे ग्रे मैटर में ऑल वी आर गोइंग टू हैव आर द न्यूक् न्यूक्लियसिस ओके नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू लाइक डॉर्सल हॉर्न में कुछ न्यूक्लियस होंगे लेटरल हॉर्न में न्यूक्लियस होते हैं वेंट्रल हॉर्न में न्यूक्लियस होते हैं नाउ फर्स्ट मैं किसके बारे में डिस्कस करूँगी डॉर्सल हॉर्न के न्यूक्लियसिस के बारे में सो डॉर्सल हॉर्न न्यूक्लियस Now which nucleus are present in the dorsal horn? So first one in dorsal horn there is a one nuclei that is the substantia gelatinosa. Substantia gelatinosa. Now this nucleus is very important because it is the second order. Neuron for spinothalamic tract, and you know that the spinothalamic tract uh, we will discuss in detail. Don't worry if you don't know, just remember this spinothalamic tract is responsible for pain. प्लस टेम्परेचर सेंसेशन सो जर्नली इस ट्रैक में जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन का काम करता है दैट इज द सब्सटेंशियल जेलिटिनोसा एंड ये कौन से सेंसेशन के लिए मेनली होता है दैट इज पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन नाउ द सेकेंड न्यूक्लियस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द न्यूक्लियस प्रोप्रियस प्रोप्रियस this is the largest nucleus just remember largest nucleus hota hai or generally it is a second order nucle uh, nu nu nucleus second order neuron for what for DCT that is dorsal column tract सल कॉलम ट्रैक के लिए जो सेकेंड न्यूक्लियस सेकेंड न्यूट्रॉन का न्यू न्यूरॉन का काम करता है दैट इज़ वॉट न्यूक्लियस प्रोप्रियस और इन डी सी टी की जो भी सेंसेशंस uh, होती हैं उसको कौन प्रसीव करता है ये न्यूक्लियस डी सी टी में कौन कौन सी डी सी टी कौन कौन सी सेंसेशन uh, प्रिसीव करता है वन इज़ द कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन ओके द सेकेंड वन इज़ जो भी प्रेशर के लिए वाइब्रेशन के लिए फाइन टच सेंसेशंस होती हैं देन स्टीरियोग्नोसिस जो होती है दैट ऑल ऑल दी सेंसेशंस जो कि प्रिसीव कौन करता है न्यूक्लियस प्रोप्रियस बिकॉज इट इज़ द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन फॉर डीसीटी नाउ The third order, uh, the third nucleus that we are going to discuss is the nucleus dorsalis. Now, this uh, nucleus is the second order neuron, it is a second order neuron for what? For spinocerebellar tract. सेरीबेलर नाउ ये जो स्पाइनल सेरीबेलर ट्रैक होता है ये कौन सी सेंसेशन को मेनली लेता है दिस इज फॉर द अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस प्रोपरसेप्शन ओके सो एंड फोर्थ वन न्यूक्लियस इज ऑल्सो देर। दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट दैट इज द विस्ल इेंट न्यूक्लियस न्यूक्लियस

इसलिए मैं इस डायग्राम पे पहले आपको बता रही हूँ बिकॉज इनकी लोकेशंस के ऊपर पे ही इनका नाम बेस्ड है सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस न्यूक्लियाई इसका नाम क्या है इंटर मीडियो लेटरल न्यूक्लियस इंटर मीडियो लेटरल ये मीडियल भी है बट ये मोर लेटरल साइड पर प्रेजेंट है दैट्स वाई इट इज़ लेटर इंटर मीडियो लेटरल मतलब दो डोर्सल और लेटरल हॉर्न के ये मीडियली है तो इंटर मीडियो लेटरल मीन्स ये आप देख सकते हो मोर लेटरल साइड पे है तो दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज इंटर मीडियो लेटरल न्यूक्लियाई एंड द सेकेंड यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है इसका नाम क्या है वेट इट इज इंटर मीडियो मीडियल न्यूक्लिया मीडियल न्यूक्लिया वाई इट इज़ नेम लाइक सो इंटर तो है बट इट इज ऑन द मोर मीडियल साइड सो दैट्स वाई इट इज नेम लाइक दिस ना इनके बारे में लिटल बिट डिटेल्स में हम थोड़ा बात करेंगे दैट इज फर्स्ट इज द इंटर मीडियो लैटरल न्यूक्लियाई ये जो न्यूक्लियाई होती है जर्नली इट इज़ लाइक कौन सा सेगमेंट ये इन्वॉल्व करती है टी वन टिल एल टू सो इट इज़ मेनली फॉर द सिंपथेटिक आउटफ्लो सिंपैथेटिक आउटफ्लो के लिए कौन सी न्यूक्लियाई होती है दैट इज़ अ इंटरमीडियो लैटरल न्यूक्लियाई एंड द सेकेंड जो हमने बात की है इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियाई के बारे में

for the internal structures of the spinal cord now the blood supply of the spinal cord this is the last section of this topic generally the blood supply of the spinal cord is mainly by the three arteries okay so these artery one is the anterior spinal artery other is a posterior spinal artery and there are some segmental arteries which are originating from different different parts and they finally they will drain into the they will uh, sorry they will not drain they will comes to the spinal cord from different different parts now first is the what anterior spinal artery so anterior spinal artery generally it is formed by the union of the two branches of the vertebral arteries like consi vertebral artery ki two branches that is a spinal artery of the spinal branch of the vertebral artery so come to this figure here vertebral artery this is what this is a vertebral artery okay here pe there is the spinal branches of the वटिब्रल आर्टरी जो कि जॉइन कर रही हैं एज यू कैन सी दे आर दे आर जॉइनिंग बोथ दे आर बोथ जॉइनिंग एंड दे फ फॉर्म दिस आर्ट्री न दिस आर्टरी इज़ वॉट दिस इज द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ओके दिस इज द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो कि फर्दर यहाँ पे आ, मतलब विटेब्रल जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके सेंटर में जाएगी एंड फाइनल दे विल इट विल मेनली ड्रेन इनटू द कॉक्सीजल प्लेक्सस ओके सो दिस आर्टरी विल डिसेंड वन मोर थिंग दिस आर्टरी विल डिसेंड इन द वेंट्रल मीडियन फिशर ऑफ द कॉर्ड ये जो कॉर्ड है इसके वेंट्रल मीडियल फिशर पे ये डिसेंड करेगी

पोस्टीरियस स्पाइनल आर्ट्री जो होती है जर्नली इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वटिब्रल आट्री की जो पाइका uh, ब्रांच होती है वहाँ से ओरिजिनेट करती है ये पीछे से आप देख सकते हो यहाँ से वटिबल जैसे दिस इज द वटिबल आर्ट्री ओके सो दिस दिस इज अ वटिबल आर्ट्री एंड इट विल गिव वन ब्रांच डेट इज अ पाइका एंड इस पाइका से हीयर यू आर गोइंग टू सी देर इज द ओरिजिन ऑफ द पोस्टीरियरली स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियरली ये आर्टरी होगी दैट इज द पोस्टीरियर स्पाइनल आर्ट्री दिस इज द पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी विच इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन लाइक बाय द यूनियन ऑफ द पाइका दैट इज पोस्टीरियर इन्फीरियर सेबरल आर्ट्री ओके सो यहाँ से आप देख सकते posteriorly हो यहाँ पे पोस्टीरियरली ये आर्ट्री प्रजेंट होगी ये पोस्टीरियर इसके पीछे स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट पीछे आप देखोगे ये आर्टरी प्रेजेंट होगी ठीक है एंड देन इट विल डिसेंड्स इन द पोस्टीरियर लैटरल सर्कस ऑफ द कॉर्ड जो जैसे दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड एंड यहाँ पे हमने कहा कि दिस इज़ अ वर्टेब्रल आर्टरी इसकी ब्रांच है ये दिस इज द पाइका यहाँ से ओरिजिनेट करेगी ये दिस इज द पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ओके सो इट विल डिसेंड इन द डिस इन द पोस्टिटरल सर्कस ऑफ द कॉड दिस इज द सर्कस फॉर एग्जांपल, दिस इज द lateral sulcus ऑफ द कॉड sulcus ऑफ कॉड सो ओरिजिन इसकी पाइका से है इसका डिसेंड कहाँ है पोस्टीरियर लैटरल सल्कस ऑफ कॉर्ड में ठीक है एंड देन हमने बोला था कुछ सेगमेंटल आर्टरीज भी होती हैं ये लाइक ऑल दीज आर्टरीज दे विल कम फ्रॉम द डीप सर्वकल ब्रांच मतलब उनसे आती है कुछ इंटर कोस्टल आर्टरीज से आती हैं और कुछ लम्बर आर्टरीज से आती हैं ऑल दि सेगमल सेगमेंटल आर्टरीज़ विल कम एंड दे विल गिव दिस लाइक दिज आर वॉट दिज आर दैगमेंटल आर्टरीज कुछ आ रही हैं सम ऑफ दम कमिंग फ्राम इंटर कोस्टल आर्ट्रीज ओके okay, कुछ आ रही हैं लंबर आ लम्बर प्लेक्सेस से लंबर आर्टरी से हैं सो ऑल दीज विल ड्रेन इन टू वॉट द कॉक्सी जो कॉक्सीजल प्लेक्सेस है उसमें या के फर्दर दे विल मर्ज okay so guys this is all about the spinal cord i hope you like my video uh, so my next video will be on tracks thanks keep supporting if you guys have any doubt please comment in the uh, like comment in the comment section thanks for watching my video